हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज का लेसन है हमारा ट्यूलिप सलवार की स्टिचिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे बेल्ट रेडी। तो बेल्ट कैसे रेडी करते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद में आते हैं हम सलवार पे। तो सलवार में हमें सबसे पहले इसका आसन सिलना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े के सीधे भाग से सीधे भाग को मिलाना है। ये देखिए, उस पैर का सीधा भाग और इस पैर का सीधे भाग को एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जो हमने कटिंग में आपको बताया था कि छोटा छोटा पार्ट एक तरफ रहेगा, तो हमें इसी तरीके से जमा के और स्टिचिंग शुरू करनी है। तो देखिए, आसन सिलना बहुत कठिन नहीं है, इसे गोल घुमाते हुए बिल्कुल सिंपल हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि जो आसन हमने अभी सिला है, इसके हमको पीछे के भाग को और आगे के भाग को आपस में मिला लेना है। तो हमें ये इसलिए मिलाना है कि जो बड़ा पार्ट था सलवार का, वो हमें बराबर मेजरमेंट उसका मिल जाए। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये बड़ा पार्ट आएगा, जैसा मैंने कटिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाया था और अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। तो ये देखिए, जो अपन ने नीचे सेंटर पॉइंट निकाला था पैर के पैंचे में, वहाँ से मुझे लगाना है 6 इंच का निशान, जैसा मैं कटिंग में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, इसलिए एक बार मैं और उसे कंफर्म करके और फिर पतला सा मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई शुरू कर दूँगी। ये देखिए, ये है सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से गोल घुमाते हुए हमें 6 इंच के निशान पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर आते हैं हम वापस से उसी सिलाई पे। तो उसी सिलाई पे हमें इसलिए आना है क्योंकि वहाँ पे हम लगाएंगे लेस। तो लेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं, आप अपने कपड़े के कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। मेरी सलवार ये जिस क्लाइंट की है, हरसीरत कौर, उन्होंने मुझसे कहा है कि प्रेरणा मैम, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं चाहिए है, मुझे सिर्फ गोटे का लुक चाहिए है। तो मैंने उनके चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें गोटा पट्टी लगा दिया है। अब आप देखिए, जो 6 इंच का निशान है, हमें वहाँ तक इसे लगाते हुए आना है और बाहर करते हुए इसे मैं कट कर लूँगी। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए वापस से चलते हैं काउंटर पे। तो देखिए, आसन की ये जो सिलाई थी दोनों पार्ट की, आगे पीछे की, इसे हम आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाने के बाद में हम इसे व्यवस्थित तरीके से बिछाएंगे, क्योंकि हमें इसे निकालना है, इसका जो मेन पार्ट है उसे हमें किस तरीके से पलटना है वो मुझे आपको बताना है। तो देखिए, इस तरीके से रखने के बाद में आसन की जो सिलाई है, वहाँ से हम लगाएंगे 2 इंच का निशान। तो 2 इंच हम आसन से इस तरफ लगाएंगे और 2 इंच इस तरफ, यानी कि हमें दोनों तरफ 2-2 इंच का निशान लगाना है। हमने ये जो 2 इंच का निशान लगाया है, वहाँ पर ये कपड़े का चौड़ा पार्ट है जो ये पलट के आएगा। तो ये 2 इंच का निशान हिप के अकॉर्डिंग निकलता है, हैवी हिप पे ये 4 इंच जाता है, 6 इंच जाता है। मैं आपको सारे नाप अच्छे तरीके से लिखवा दूंगी। तो देखिए, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि स्किप करने से इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल जाता है और वो निकलने से आपकी सिलाई अधूरी रह जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर करके समझाया है। तो इस तरीके से पैंचे का लुक आता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी सिलाई बिल्कुल सही हुई है। अब हमें क्या करना है कि इधर पे सीधी सिलाई हम लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। तो ये सिलाई कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें चलना होगा वापस से मशीन पे। आप चाहें तो हाथ से कच्चा करके और फिर आप इसे फाइनल सिलाई कर सकते हैं। कच्चा किस तरीके से करना है उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब ये देखिए, सिलने के बाद में ये पार्ट जो दोनों अलग अलग हैं, इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। तो इसे हमें आसन से और वहाँ तक सीधी सिलाई मार के सिंपल जैसे सलवार सिलते हैं वैसे हमें इसे आपस में जोड़ लेना है। अब हमें दोनों पैर का सेंटर पॉइंट निकालना है और इसकी डालनी है प्लेट्स। तो इसमें हमें क्रीज के लिए चौड़ी प्लेट नहीं डालना है, इसकी सारी प्लेट छोटी छोटी डालेंगी, 1-1 इंच की, इसमें चौड़ी प्लेट का काम नहीं है। तो देखिए, ये आ गया अब हमारे गोटे का पार्ट। तो इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके ऊपर से हमें सीधी मशीन लेकर के आना है और इस तरफ के कपड़े की पतली सी प्लेट उठा के उसके ऊपर
लगाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जैसी हमने उस पैर में प्लेट्स डाली हैं, वैसी ही हमें इस पैर में भी पूरी प्लेट्स डाल लेनी है। अब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे बेल्ट जो मैंने पहले से रेडी करके रखा है। तो बेल्ट किस तरीके से चढ़ाना है इसके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो रेडी है हमारी ट्यूलिप सलवार। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको ट्यूलिप सलवार की स्टिचिंग बहुत सरल तरीके से समझाई है, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।